कलामे आला हजरत का एक मतला और कुछ शेर हाजिर करता हूँ। समाप्त करें हमारे अलहाज जाकिर हुसैन साहब किबला ने काफ़ी मोहब्बतें पेश की और बराबर रबते में हम लोग रहें, बातचीत होती रही और हमारे भाई नवाब खान साहब भी बहुत इखलाकमंद आदमी मिले। अल्लाह इन तमामों की मोहब्बत को कबूल फरमाए। आमीन। हम आपके इमाम साहब किबला जो काफ़ी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सलामत रखे और मुस्कुराते भी हैं तो बहुत ज़बरदस्त। इन तलबा कराम का मौला इन इल्म में अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मैं कलामे आला हजरत का एक मतला और कुछ शेर हाजिर करता हूँ। मेरे आला हजरत हम सुन्नियों के आला हजरत फरमाते हैं, क्या कहते हैं सुने मोहब्बत के साथ। एक मरतबा कहते हैं सुभान अल्लाह और एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। यकीनन कौन ऐसा शख्स है नबी का गुलाम जो ये ना चाहता हो कि हुजूर को ना देखें, बल्कि हर आशिक चाहते हैं कि मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो जाए। ऐसे लेकिन मुस्तफ़ा से मिलना है तो मरना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं है। हुजूर का हुजूर की ज़ियारत इंसान अपनी हयात ज़िंदगी में भी कर सकता है, लेकिन इश्क अगर वाकई सच्चा इश्क हो तब, है कि नहीं? लेकिन आशिक किस कदर मचलता है और कहता है हुजूर को देखना है, क्या कहता सुनिएगा। मेरे आला हजरत बताते हैं, क्यों उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरे बारी है जाब में, दो पर्दा, मेरे आका मेरे मौला मेरे दाता, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरे बारी है जाब में है, ज़माना तारीख हो रहा ज़माना तारीख हो रहा है, के महर कब से नकाब है, ज़माना तारीख हो रहा है, के महर कब से महरे कब से नकाब में है। मेरे आला हजरत और आगे चलते हैं और कहते हैं वो जगह के लिए मेरे आला हजरत किस कदर अपनी शायरी में कहते हैं, जहां जाने के बाद इंसान अकेला हो जाता है वो दुनिया कब्र की दुनिया है। आपके रिश्तेदार मोहब्बत करने वाले दुनिया तक हैं, लेकिन कब्र में अकेला रहना है। मेरे आला हजरत कहते हैं उस वक्त वो आशिक रसूल किस कदर मचलते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि खड़े हैं मन कर वो घर होगा जहाँ पे आपके रिश्तेदार तो नजर नहीं आएंगे, आपके चाहने वाले नजर नहीं आएंगे। अगर आपके साथ और आपकी कोई मोहब्बत काम आने वाली है तो वो मेरे आका की मोहब्बत है। अब कितनी मोहब्बत आका से करते हैं शेर में हवाले करता हूँ, आपके सुन के मज़े लेंगे इंशाल्लाह। दीवाने कहेंगे ऐ मेरे आका, खड़े है मुन कर नकीर सर पर, न कोई हामी
سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آبر خواجہ غریب نواز واہ واہ زندہ باد بتا دعا کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے یقیناً عاشق رسول مچلیں گے وہاں اس وقت جب نکیرین پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے, اس وقت غلام کہے گا ان کے بارے میں پوچھتے ہو, یہی وہ آقا ہے جس پہ ہم جان و دل قربان کر بیٹھے تھے. اور آگے چلیں میرے اعلیٰ حضرت حشر کے اس نقشے کو اپنی شاعری میں کس قدر پیش کرتے ہیں, جہاں پہ اپنے بیٹے کو اگر باپ دیکھ لے گا تو اپنے راستے بدل لے گا, اس لیے بدل لے گا کیونکہ وہاں سبوں کو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی اور وہاں سے وہاں پہ کوئی دوسری ضرورت نہیں ہے انسانوں کو, صرف اور صرف نیکیاں چاہیے اور وہ نیکیاں اس وقت کہیں کسی کو ملنے والی نہیں ہے, سب اپنی اپنی فکر میں ڈوبے ہوں گے. میرے اعلیٰ حضرت کس قدر بیان کرتے ہیں, کیا فرماتے ہیں سماعت کریں محبت کے ساتھ. تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے کہ خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, خدا زندہ باد شفیع محشر
बचा लो आकर शफीए महशर तुम्हारा बर्दा अजाब में है जमाना तारीख हो रहा है जमाना तारीख हो मक्ता समाप्त करें मेरे आला हजरत मक्ता में क्या कहते हैं समाप्त करें इंशाल्लाह अच्छा लग रहा है बंगला में पढ़े क्या हैं हम बंगला जानते ही नहीं समाप्त करें बहुत प्यारी जबान है उर्दू है कि नहीं हर आशिक रसूल समझते हैं है कि नहीं जरा मोहब्बत से एक बार मुस्कुराएं तो फायदा उठाएं कहते हैं या रसूल अल्लाह मुस्कुराते हैं अच्छे लगते हैं जो मुस्कुराना जानता है कभी उसको कोई लोग पढ़ नहीं सकता है कि मुसीबत में या खुशी में है कि नहीं हर वक्त मुस्कुराते रहे क्योंकि मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है जरा मुस्कुराते हुए कह दे सुभान अल्लाह और तेजी के साथ बुलंद आवाज़ से कह दे या रसूल अल्लाह मक्ता सुने मोहब्बत के साथ हाँ जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से मेरे आला हजरत जैसी जात वो कह रहे हैं करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा करीम अपने करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को ना शर्मा करीम अपने करम का सदका लई में बे को नशर्मा करीम अपने करीम अपने करम का सदका लाई मैं बेकदर को नशर रज़ा से हिसाब लेना तो और रज़ा से हिसाब लेना रज़ा पे कोई हिसाब में तू और रज़ा से हिसाब लेना रज़ा बेको हिसाब में है जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से अच्छा ठंडी लग रही है क्या जो गर्दन में बांधे हुए एकदम चारों तरफ से क्या बात है ज्यादा ठंड नहीं है ना
अगर ठंडी लग रही तो बोलिए कंबल वगैरह मंगा दिया जाए, सारा इंतजाम है। कमेटी वाले बहुत मजबूत लोग हैं, मेरे पास भी दो तीन तो चादर है। अगर ठंडी नहीं लग रही तो उसको खोल लें, है कि नहीं? हुजूर की महफिल है, चेहरा दिखाएं। आप चेहरा छुपा के रखें या दिखाएं, मेरे मुस्तफा सबको देख रहे हैं, है कि नहीं? जरा चेहरा खोल के बैठे, हुजूर की महफिल है। अल्लाह सलामत रखे आपकी मुस्कुराहट को, खूब बरकतों से नवाजे मौला आपको, क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं महफिल रसूल में चले आते हैं, है कि नहीं? अब यहाँ से एक नाते पाक का और खूबसूरत मतला और खूबसूरत अशार आपके खूबसूरत समातों के दहलीज तक पहुँचाता हूँ, समात करें। 100 रुपया माइक वाले को दे दिया जाए क्या? ऑपरेटर साहब कहाँ है? नुकसान उसका है। माशाल्लाह, आएगा उनको दे दिया जाएगा, ठीक है? चैनल वाले एक बार कहने सुभान अल्लाह, बहुत होशियार लोग हैं ना, एकदम सामने बैठते हैं, जम के बैठते हैं। उसको बंद रखिएगा, ठीक है? मैं खूबसूरत मतला हाजिर करता हूँ, सुने दिल लगा के इंशाल्लाह। कई कलाम की फरमाइश है लेकिन सबको मैं एक तरफ रखता हूँ और एक कलाम मैं पढ़ता हूँ, सुने मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह। वक्त रहा तो सब पढ़ा जाएगा। ये तलबाए कराम जितने आए हैं सबों की कोई ना कोई फरमाइश है और सब कह रहे थे ये पढ़िए वो पढ़िए वो पढ़िए, लेकिन सबको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप सुनते जाए मचलते जाए, जो मुस्कुरा रहे हैं वो एक बार कह दें सुभान अल्लाह, जो ना मुस्कुरा रहे थे वो एक बार और मुस्कुराए और कह दें सुभान अल्लाह। हजरत देखिए मुस्कुराते हैं, कितने अच्छे लगते हैं ये लोग। अल्लाह सलामत रखे। मतलब हाजिर करता हूँ, सुनिएगा मोहब्बत के साथ, सुनिएगा। के दुरूदों की डाली, दुरूदों की डाली, दुरूदों की डाली, दुरूदों की डाली, सलामों के तोहफे। सुने मोहब्बत के साथ, 100 रुपया ऑपरेटर साहब को दे दीजिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, ले जाइए, जल्दी आइए। एक बार आप लोग मुस्कुराते रहे कहीं सुभान अल्लाह, और एक बार कहीं सुभान अल्लाह। आज जितना मिलेगा सब देकर जाएंगे, लेकिन माइक अच्छा बजवाएंगे इनसे, है कि नहीं? हाजिर करता हूँ, सुनिए, ठीक है? ठीक ठाक बजाइए, इक्वल का दीजिए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हम देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं, ठीक है? आप लोग अगर चाहते हैं कोई अच्छा सुनने में मजा आए तो मोहब्बत के साथ एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। के दुरूदों की डाली, दुरूदों की डाली, दुरूदों की डाली, सलामों के तोहफे। अच्छा लग रहा है, अगर सब मिलके बोलेंगे तो क्या दिक्कत है? जरा मोहब्बत से हुजूर को पुकारे, कह रहे यार रसूल अल्लाह, सुने दिल लगा के, लगे के जलसा हो रहा, वाकई जलसा हो रहा, सुने मोहब्बत के साथ। दुरूदों की डाली, दुरूदों की डाली, सलामों के तोहफे, फरिश्ते लबों पर सजाए होवे गे। दुरूदों की डाली, सलामों के तोहफे, फरिश्ते लबों पर सजाए होवे गे। हली माँ के घर ना, हली माँ के घर ना, हली माँ के घर मुस्तफा रखे, सफा रहे हैं तो आलम खुशी में नहाए हुए गए। अली माँ के घर मुस्तफा रहे हैं तो आलम खुशी में नहाए हुए गए। अली माँ के घर मुस्तफा रहे हैं तो आलम खुशी में नहाए हुए गए। अब अगला शेर सुनेगा, सुनाऊंगा, शर्त है कि पहले मुस्कुरा लीजिए। जरा मुस्कुराइएगा तो सीने में ताकत पैदा हो जाती है। जरा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। अली माँ के घर मुस्तफा रहे हैं तो आलम खुशी में नहाए हुए गए। जिसे मुस्तफा की जात पे भरोसा है वो जरा हुजूर को पुकार के कह दे या रसूल अल्लाह। अब शेर सुनिएगा, कि गुनहगार होगा खताकार होगा, मगर जो नबी का
क्या बात है, मिश्रा ये लोग मुकम्मल कर रहे हैं, मिश्रा को ये लोग मुकम्मल कर रहे हैं। शायरी से ताल्लुक है आपका भी, है कि नहीं? जरा मुस्कुरा रहे तो फायदा उठाएगा ना यार रसूल अल्लाह। सुनिएगा, गुनहगार होगा खताकार होगा मगर जो नबी का वफादार होगा, मगर जो नबी का वफादार होगा वापस जवाब दीजिए, वापस है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फसल के आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने खाजा गरीब नवाज, जश्ने खाजा गरीब नवाज, शायर इस्लाम हजरत अजमत रजा भागलपुरी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसको दो सख चला एक कैसे भला उसको दो सख, वो दामन में जिनको छुपाए हुए चला एक कैसे भला उसको दो सख, वो दामन में जिनको। आप भी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, आवाज बहुत प्यारी है आप लोगों की, लेकिन छुपा रहे हैं आप, है कि नहीं? जरा आपकी आवाज में सुन लो, क्योंकि मेरी थकावट थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। आप अगर पढ़ लेंगे मेरे साथ तो सफर आसानी के साथ कर जाएंगे, मोहब्बत के साथ पढ़ लें। हाँ जला एक कैसे भला उसको दो सख, वो दामन में जिनको। बहुत प्यारी आवाज आप लोगों की, वो दामन में जिनको। अल्लाह सलामत रखे और आपके इस आवाज को और मौला बुलंदी अता फरमाए, मोहब्बत के साथ। वो दामन में जिनको। अभी भी कुछ लोग शर्मा रहे हैं, है कि नहीं? की महफिल है, किस्मतें सवरती है, शर्माना नहीं है, मुस्कुरा के पढ़ते जाए। मैं खुद मुस्कुरा के पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ जिसको मैं सुना वो भी मुस्कुरा के सुने, ताकि हर तरफ से सवाब ही सवाब हो, कोई जीएसटी का यहाँ पहरा रहे। मोहब्बत के साथ, वो दामन में जिनको। अल्लाह सलामत रखे। अगला शेर सुनिएगा, नबी की मोहब्बत से सरशार है हम, बरेली के सच्चे वफादार हैं हम, नबी की मोहब्बत से सरशार हैं हम, बरेली के सच्चे वफादार हैं हम, बरेली के सच्चे वफादार हैं हम, नबी की मोहब्बत से सरशार सच्चे वफादार गम। इसलिए अरे मिलाते नहीं गा, मिलाते नहीं गा, मिलाते नहीं हाथ हम नजदियों से, मिलाते नहीं हाथ हम नजदियों से, तो मेरे आला हजरत बता नारे तकबीर, नारे रिसालत, फसल के आला हजरत, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज,
वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। जश्न करीम आवाज है, एक शेर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि शेर में पढ़ूंगा मजमे से नारा लगेगा। अगर नहीं लगाया आपने नारा, अगर नहीं लगाया तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, बस शेर आप सुन लेंगे और अगर अच्छा लगेगा तो नारा जरूर लगाएंगे। शेर पढ़ता हूँ, सुने, बहुत तैयारियां चल रही है भारत से मुसलमानों को भगाने की, लेकिन आप लोग डर रहे क्या? नहीं डर देना, जरा मोहब्बत के साथ कह दें हिंदुस्तान, अरे जिंदाबाद हिंदुस्तान, यहाँ के थे यहाँ के हैं यहाँ पे रहेंगे। अब एक शेर पढ़ता हूँ, अगर आप में वाकई दम तो शेर सुनाइएगा, सुने मोहब्बत के साथ। डराने की बातें सताने की बातें न कर मुस्लिमों को भगाने की बातें। इस्तकबाल हर आदमी करेंगे और इस्तकबाल कैसे आप करेंगे, मेरी आदत नहीं कि मैं कहूंगा आप खड़े होकर इस्तकबाल करें, अगर आपका जी चाहे तो हो सकते हैं वरना बैठे बैठे इस्तकबाल कीजिएगा। हाजिर करना सुनेगा। डराने की बातें सताने की बातें न कर मुस्लिमों को भगाने की बातें, न कर मुस्लिमों को भगाने की बातें, भारत से कोई क्या भगाए, भारत से कोई जो खाजा पिया के बसाए। अच्छा लगा, अच्छा लगा, हाथ उठा के बताए कितने आदमी को अच्छा नहीं लगा। दोबारा पढ़े शेर, दोबारा पढ़े, जरा मोहब्बत से कह दे मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, और एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, सुनिएगा। डराने की बातें सताने की बातें न कर मुस्लिमों को, आपकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए, अगर नहीं आई मैं वहां चला जाऊंगा, ठीक है? जैसे सुनना सुनिए मोहब्बत के साथ। डराने की बातें सताने की बातें न कर मुस्लिमों को, वाह 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 वाह, क्या बात है। अब मैं अगले साल इंशाल्लाह फिर आऊंगा, ठीक है, फिर आऊंगा मैं, यहाँ देखूंगा कि वही लोग हैं कि बदल गए कुछ है कि नहीं। जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, सुनिएगा। डराने की बातें सताने की बातें न कर मुस्लिमों को भगाने की बातें, डराने की बातें सताने की बातें न कर मुस्लिमों को भगाने की बातें, उन्हें क्या भगाएगा हमें क्या भगाएगा हमें क्या भगाएगा भारत से कोई, हमें क्या भगाएगा भारत से कोई, उन्हें क्या भगाएगा भारत से कोई जो खाजा पिया के बसाए हुए, उन्हें क्या भगाएगा भारत से कोई जो खाजा पिया के, जो खाजा पिया के, जो खाजा पिया के। घबराए नहीं, अभी मैं शुरू नहीं हुआ हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कहाँ आप जाना चाहते हैं, ठीक है। अल्लाह सलामत रखे मेरे चचा के उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला तमाम लोगों को करोड़पति बना दे, आमीन कहिए, दुआएं कबूल हो गई। मुसाफिर आदमी तो फिर क्या दिक्कत है, मोहब्बत के साथ कहने आमीन, अल्लाह सलामत रखे। एक शेर और पढ़ लें, पढ़ लें, इजाजत है, पढ़ लेता हूँ, सुने मोहब्बत के साथ। अब चलते हैं उड़ीसा की जमीन, मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में, यकीनन सऊदी में जाकर तनहा आला हजरत का नारा लगाया।
मेरे मुजाहिदे मिल्लत अल्लाह के वलियों का एक एक कारनामा है। खुदा की कसम पढ़े उनकी जिंदगी को मजा आएगा, है कि नहीं? कहां कहां उनकी हुकूमतें चलती है और कहां कहां उनका पावर इस्तेमाल होता है। सुने मोहब्बत के साथ एक बार पहले कह दें सुभान अल्लाह, और एक बार कह दें सुभान अल्लाह। सुनिएगा, शेर सुनिएगा और मुस्कुरा के कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूं सुनिएगा। खुदा के वली की करामत तो देखो, खुदा के वली की करामत तो देखो, मुजाहिद की शान विलायत तो देखो, मुजाहिद की शान विलायत तो देखो, खुदा के वली की करामत तो देखो, मुजाहिद की शान विलायत तो देखो, भला कैसे हा, भला कैसे गा, भला कैसे गा, खुदा के वली की करामा तो देखो, मुजाहिद किसान विलायत तो देखो, उन्हें क्या खुदा के वली की करामा तो देखो, मुजाहिद किसान विला मुमकिन नहीं, हाँ ये मुमकिन नहीं, रेल बढ़ जाए आगे, ये मुमकिन नहीं, रेल बढ़ जाए आगे, ये मुमकिन नहीं, रेल बढ़ जाए आगे, तो मुजाहिद मुसल्ला बिछाए हुए के आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा कोना में जो बैठे हैं वो लोग भी सुन रहे हैं क्या? जरा हाथ उठा के बताए कितने आदमी को भूख लगी है, देख लीजिए उन लोगों को खाना खिलाइए पहले, इंशाल्लाह सब खाना वाना खा के आए हैं, ठीक है? तंदुरुस्त लोग बैठे, जितने लोग बैठे बहुत अच्छे लोग बैठे। एक शेर माँ बाप के हवाले से पढ़ लेता हूँ, क्या पढ़ दें? पढ़ दें। जिनके साथ वालिदैन की दुआएं हैं वो जरा हाथ उठा के माँ बाप के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह। और अरे यार माँ ने कितनी दूधें पिलाई आपको, जरा मोहब्बत के साथ उस दूध की ताकत को जरा इस्तेमाल करें, हुजूर का नाम लेना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और एक बार कह दें या रसूल अल्लाह। औलादे क्या दुआएं करती है अपने माँ बाप के लिए, सुनिएगा मोहब्बत के साथ। खुदा उनको हर वक्त रखे सलामत, सुनिएगा, खुदा उनको हर वक्त रखे सलामत, दुआओं से जिनके बरसती है रहमत, खुदा को हर वक्त रखे सलामत, दुआओं से जिनके बरसती है रहमत, दुआओं से जिनके बरसती है रहमत, खुदा को हर वक्त रखे सलामत, दुआओं से जिनके बरसती है रहमत, ये रब का करम है, करम है ये रब का करम, बाप माँ की दुआ है ये रब का करम, बाप माँ की दुआ है, अरे यहाँ हम जो इज्जत कमाए हुए ये रब का करम, बाप माँ की दुआ है ये रब का करम, बाप माँ की दुआ है, यहाँ हम जो इज्जत कमाए हुए हैं, हलीमा के घर मुस्तफा रह गए हैं, दो आलम खुशी में नहाए हुए हैं, हलीमा के घर मुस्तफा रह गए हैं, दो आलम खुशी में नहाए हुए हैं। आज, 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 आज।
को लोग क्यों जानता है? सोचने वाली बात है। आप मजमे में से कोई एक आदमी का नाम ले लें तो सिर्फ मोहल्ले वाले ही जानेंगे कि ये फला शख्स है, लेकिन आप जान रहे हैं, ये लोग जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? मैं बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा मोहब्बत के साथ। ये कैसी बात है और कौन सी बात है, किसकी वजह है, कौन सी वजह है जो अजमत को जान रहा है हिंदुस्तान? सुने मोहब्बत के साथ। बढ़ाई है अल्लाह ने इतनी इज्जत, सुनिएगा, बढ़ाई है अल्लाह ने इतनी इज्जत, बढ़ी जा रही है जमाने में शोहरत, बढ़ी जा रही है जमाने में शोहरत, बढ़ाई है अल्लाह ने इतनी इज्जत, बढ़ी जा रही है जमाने में शोहरत। ये बरकत है नाते, ये बरकत है नाते नबी की अजमत, ये बरकत है नाते नबी की अजमत, जहाँ देखो हर समय छाए हुए, ये बरकत है नाते नबी की अजमत, ये बरकत है नाते नबी की अजमत, जहाँ देखो हर समय छाए हुए है। अली मां के घर मुस्तफा रहे है, दो आलम खुशी में नहाए हुए है, दो आलम खुशी में नहाए हुए है, दो आलम खुशी में नहाए हुए और